Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope सब बढ़िया हो। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो मोटे मोटे गाजर लिए हैं, मोटे गाजर मैंने इसलिए लिए हैं हलवा के लिए, जो कि ज़्यादा पक्के वाले गाजर होते हैं तो मीठे होते हैं तो हलवा एकदम टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमें मार्केट से मोटे ही गाजर खरीदने हैं। तो मैंने ये पहले ही पानी से, एकदम साफ पानी से धो लिए हैं और वॉश कर लिए हैं, और कॉटन के कपड़े से मैंने इसका पानी सारा निकाल दिया है। तो हम छिलने के बाद इसे पानी में बिल्कुल भी धोएंगे नहीं तो इसका कलर हट जाएगा। तो अब मैं इसको छिल लूंगी। तो गाइस, छिलने के लिए मैंने यहाँ पे ये छिलर लिया है, तो मैं ऐसे ही इसके सारे छिलके उतार दूंगी इस टाइप से। इसके मैंने ऊपर का पार्ट और लोअर का पार्ट पहले ही हटा दिया है, वो हमें बिल्कुल भी हलवा में नहीं डालना है। तो इसी टाइप से हमें ये पूरे छिल देने हैं और वॉश उसके बाद नहीं करना है, उससे पहले आप इसे पानी से, एकदम साफ पानी से वॉश करना है। मैंने यहाँ पे सारे गाजर छिलके रेडी कर दिए हैं, जो इसमें कुछ डार्क स्पॉट थे वो मैंने हटा दिए हैं और छिल दिए हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर की सहायता से इसे अब ग्रेट कर लूंगी। मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है और मैं गाजर को ऐसे ही इसे ग्रेट कर लूंगी। यहाँ पे हमने ये गाजर भी ग्रेट कर दिया है, ये देखो। तो अब चलेंगे हम इसे बनाने के प्रोसेस में, चलते हैं गैस की तरफ। इधर मैं गैस को कर लेती हूँ ऑन। हलवा बनाने के लिए मैं इधर पैन को रखती हूँ गैस पे। मैंने हलवा बनाने के लिए इधर पैन रख दिया है। इसका हमारा पैन यहाँ पे गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे एक कटोरी घी ली है, वो मैं ऐड कर देती हूँ और इसे हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। हमारा घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। जो हमने गाजर ग्रेट करके लिया है वो मैं ऐड कर देती हूँ और गाजर को हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारा गाजर इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लेंगे। इससे कम हमें 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है घी के साथ, ताकि हमारा जो गाजर है वो अच्छे से अपने अंदर घी को एब्जॉर्ब कर ले और एक अच्छा सा टेस्ट आने लग जाता है। तो हलवा खाने में बहुत टेस्टी बनता है। हमने घी के साथ भी फ्राई कर लिया है हलवे को। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसे ढक लेंगे। तो अच्छे से ये घी के साथ पक जाए, इसका पानी भी अच्छे से सूख जाएगा, तो तब हम इसमें दूध ऐड। हम चेक कर लेते हैं हलवे को। तो यहाँ पे हमारा हलवा पूरा पानी सोख चुका है, तो इस स्टेज में हम इसमें अब दूध ऐड कर देंगे। देखो, पूरा पानी सिक चुका है हलवे पे, अच्छे से बन चुका है ये। तो इस स्टेज में मैं यहाँ पे आधा किलो मैंने दूध लिया है, 1.5 गिलास मैंने दूध लिया है यहाँ पे। तो अब हम इसे, मैंने इसमें 1.5 गिलास दूध ऐड कर दिया है और इसे भी हम अच्छे से गाजर के साथ मिला लेंगे। मैं यहाँ पे अब चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें, इस कप से मैं 1.5 कप इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो गाइस, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे दूध के साथ, चीनी के साथ अच्छे से गाजर को हम मिक्स करेंगे। हमने दूध के साथ, चीनी के साथ अच्छे से गाजर को मिला लिया है। अब हम इसे ढक देंगे। जब तक ये दूध को अच्छे से सोख लेगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। हम हलवे के ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं। तो हमारा हलवा 100% तो पक चुका है दूध के साथ। तो अभी हमें ये दूध को अच्छे से गाजर के साथ सुखाना है, अच्छे से पकाना है, जब तक ये दूध अच्छे से सूख न जाए, और बीच बीच में हमें करछी चलाते रहना है इसमें। और अब हम इसे विदाउट ढक्कन का ही पकाएंगे। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा हलवा ये बनने के स्टेज में आ गया है। इस पे थोड़ा बहुत कलर भी चेंज हो गया है हलवे का। तो इस स्टेज में मैं यहाँ पे जो मैंने खोया लिया है यहाँ पे एक कटोरी, वो मैं ऐड कर दूंगी। और एक कटोरा मैंने यहाँ पे नारियल के टुकड़े करे हैं मोटे मोटे, वो मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने क्रश करा हुआ एक नारियल लिया है बिल्कुल बारीक, वो मैं ऐड कर दूंगी।
और यहाँ पे मैंने एक कटोरी बादाम लिया है वो मैं ऐड कर दूंगी, और एक कटोरी मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है वो मैं ऐड कर दूंगी, आधी कटोरी मैंने काजू लिए हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, ये देखो। तो मैंने गाइस ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं, तो मैं इसे अब सॉटे कर लूंगी, अच्छे से मिला लूंगी हलवे के साथ। ड्राई फ्रूट तब ऐड करना है जब आपका हलवा बनने के स्टेज में आए, तो तब आपको इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं। तो अब हम इसे कम से कम 5-7 मिनट पकाएंगे ड्राई फ्रूट के साथ। ये देखो हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छा कलर भी आ गया हमारे हलवे में। पहले वाला कलर आपने देखा ही होगा और अब वाला कलर देखो बिल्कुल रेड कलर आ गया है, जैसे गाजर का था नेचुरल कलर। ये देखो मैं आपको बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगी, तो ये देखो बिल्कुल इतना अच्छा कलर आया है। तो हम हलवे को जितना पकाएंगे उतना कलर आएगा, बिल्कुल सुखाएंगे उतना ही रेड कलर आएगा। बिल्कुल सुखाना है इसे, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, तो उतना अच्छा कलर निखर के आता है हलवे के ऊपर। दिख रहा है गाइस कितना अच्छा कलर आया है, एकदम परफेक्ट। हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, कलर भी इतना अच्छा आ गया है, और इतना अच्छा हलवा बनेगा तो किसका मन नहीं करेगा खाने का। ये देखो एकदम परफेक्ट कलर आया हुआ है, इसमें कहीं पानी है, ये देखो बिल्कुल अच्छे से बन चुका है हमारा हलवा। तो हम इसे फिर में अब गैस को कर देते हैं ऑफ, अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। हमारा हलवा यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी है, तो अब हम यहाँ पे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है और हलवे को मैं सर्व कर देती हूँ। तो गाइस मैंने सर्व कर दिया है यहाँ पे हलवा, तो मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी कुछ जो मैंने ड्राई फ्रूट हलवे में डाले थे वो मैं इसके ऊपर सर्व कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो नारियल क्रश करके लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है, वो मैंने हलवा के ऊपर सर्व कर दिया है। और यहाँ पे जो कुछ काजू है वो मैं ऐड कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे काजू भी ऐड कर दिए हैं। तो कुछ पीसेस मैंने बादाम के लिए हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ, और कुछ मैंने यहाँ पे किशमिश लिए हैं वो मैं इसके ऊपर सर्व कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने नारियल के कुछ टुकड़े लिए हैं मोटे मोटे पीसेस में वो मैंने इसके ऊपर सर्व कर दिए हैं। और यहाँ पे जो मैंने खोया लिया है उसमें ऐड करा था वो मैं इसके ऊपर हलवे के ऊपर सर्व कर देती हूँ। मैंने इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने हलवे के अंदर डाले थे वो मैंने सर्व कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। गाजर के हलवे की रेसिपी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, वहाँ पे बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कर देना, मेरी जो आने वाली रेसिपी होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं मिलूंगी आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।